नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौरभ। औरैया जनपद के कस्बा दिबियापुर व आसपास की ग्राम पंचायतों में मौजूद ग्राम पंचायत की जमीनी शमशान घाट व कब्रिस्तान की जमीनों पर इस समय कई दबंग व्यक्ति व भू माफिया अपना कब्जा जमाए हुए हैं। कस्बा वासियों व ग्रामीणों ने कई बार लिखित शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन आज तक कब्जा नहीं हटाया गया। जिले में बैठे अधिकारियों पर इसका आज तक कोई असर नहीं दिखा। इस प्रकरण में दिबियापुर कस्बे के हाजी मस्जिद कादरी फफू चौराहे दिबियापुर व शमशान घाट व कब्रिस्तान की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पिछले 5 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन का कोई भी उच्च अधिकारी आज तक धरना स्थल पर नहीं आया है। प्रदर्शनकारी हाजी मस्जिद कादरी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अधिकारी ऑफिस में ही बैठे रहते हैं और काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में रामराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रामराज में प्रजा के साथ समानता का व्यवहार होता है और योगी सरकार में समानता कहीं नहीं दिखाई दे रही। प्रजा के साथ भेदभाव खुलेआम हो रहा है। क्या योगी सरकार इन सब घटनाओं से बेखबर है? रामराज में समानता होती है क्या? योगी जी के राज में समानता दिखाई दे रही है आपको यूपी में? योगी के राज में मुझे तो कहीं भी समानता नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये योगी जी का राज है तो इस राज में हर आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं किसी को कोई समानता की बात नहीं हो रही है। सिर्फ मंदिर 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 से कुछ नहीं होगा। अरे मंदिर बने या मस्जिद बने, जनता तो ये चाहती है कि जनता के हक की बात हो,